हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो आप देख सकते हैं निक्कू टिक्कू कर रहे हैं दोनों काफी मस्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कू है जो निक्कू का एग्जाम पेपर पढ़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। और अभी सर्दियां आ चुकी हैं तो दिन काफी जल्दी निकल जाता है, सर्दियों में दिन काफी छोटे होते हैं, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाती हूँ और पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए मेरे अभी अधिकतर ब्लॉग जो है को इवनिंग में ही स्टार्ट होते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नाश्ता नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तो सुबह निकू के स्कूल का टाइम होता है, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो मैं अधिकतर ना खाना ही बनाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को इवनिंग में कोई स्नैक वगैरह बना लूँ। तो फिर आज मैं काफी टाइम के बाद सोच रही हूँ कि चलिए मैं पास्ता बना लेती हूँ। और जो मेरे दोपहर के लंच के बर्तन भी रखे हुए थे मुझे करना है उनको क्लीन। तो चलिए फ्रेंड्स, पास्ता बनाना करते हैं शुरू। तो आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ ये पास्ता। तो मैंने पानी को पैन में बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता और साथ में थोड़ा सा नमक, और इसे 5 से 7 मिनट के लिए सिम आँच पर मैं पकने दूंगी। तो आप देख सकते हैं पास्ता हो चुका है बॉयल, और फिर मैंने उसी पैन में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और साथ में ही मैंने गाजर और प्याज को कट करके डाल दिया है। तो प्याज और गाजर को भून लूँगी, और भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से हरे मटर। तो सीज़न के हरे मटर काफ़ी अच्छे लगते हैं, और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया एक टमाटर काट के। इसके बाद इनको थोड़ा नरम होने के लिए मैं पैन को ढककर 2 से 3 मिनट पकने देंगे, जिससे कि सब्जियां हमारी हल्की सी नरम हो जाए। तो सब्जियां हमारी नरम हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड करूँगी। अब साथ में ही इसमें ये जो पास्ता का मसाला रखा हुआ है तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो मसाले के भुनने के साथ में ही मैंने इसमें टमाटर केचप है ऐड कर दिया है, और अब जो बॉईल किया हुआ पास्ता है उसके अंदर वो ऐड कर दूंगी, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को मसाले के अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। मैं साथ ही मैंने एक चीज़ की क्यूब्स डाल दी है कट करके, और इसको अब चीज़ पिघलने तक 3 से 4 मिनट के लिए मैं सिम पर पकने दूंगी। तो चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बनकर है तैयार, जो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसे एंजॉय।
फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और घर का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और निक्कू भी स्कूल जा चुका है और निक्कू के पापा भी अपने ऑफिस जा चुके हैं और टिक्कू है वो अभी सो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरे फेस को देखकर आज समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ काफी खुश, क्योंकि लाइफ में आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि पूरे हो जाते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर है कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों के इतना प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो जो मेरे फर्स्ट टाइम का टारगेट था वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था और मेरे सब्सक्राइबर का टारगेट भी कल ही कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी। इसके बाद अब मेरा चैनल जाएगा अंडर रिव्यू के लिए। तो मैं आपको बता दूं मुझे टेक्निकल की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो भी जितना भी टेक्निकल काम होता है वो मेरा भाई ही करता है। चैनल को बनाना और जितना भी वीडियो को एडिटिंग वगैरह जो कुछ भी करना मैंने सीखा है वो अपने भाई से ही सीखा है। साथ में मेरी सिस्टर ने भी काफी हेल्प की है और मेरी सिस्टर का भी इसमें काफी सपोर्ट रहा है। तो मेरी सिस्टर ने ही मुझे इनकरेज किया था कि आप यूट्यूब पर आइए, जैसे लोग मुझे पसंद करते हैं तो आपको भी करेंगे। तो उसके कहने पर ही मैं YouTube पर आई थी और उसी के सपोर्ट और प्यार से मैं यहाँ तक आई हूँ और आप लोगों ने भी मुझे काफी प्यार और सपोर्ट दिया है। तो उस सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। और निक्कू टिक्कू को भी आप लोग काफी प्यार देते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उन सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। और आज मैं बहुत खुश हूँ और जो भी खुशी की वजह है वो आप लोगों की वजह से ही है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊं। तो मेरे जितने भी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो आज मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम लूंगी और जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी तो उन लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, वॉच किया है, उन सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। सबसे पहले हैं परवीन देसाई जी, इंदरजीत कौर हैं, दीपा प्रजापत, वैशाली बदाने, ज्योति रघुवंशी जी, एकम ज्योत, सोनिया शर्मा, अमित खुराना, सुमन वेजिटेरियन किचन, शालिनी कुमारी, माही मिस्त्री, सीता कुमारी, रिया सिंघल, रानू तिवारी, दीपिका शर्मा, मंजू आनंद, सुनीता सिंह, धर्मेंद्र कुमार, संतोष अमानंत और साक्षी खुराना जी और ममता गोयल जी हैं भोपाल से। तो आप सब लोगों का बहुत सारा थैंक यू और जितना भी आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आई हूँ और मैं कोशिश करती रहूंगी कि मैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, साथ में अपनी लाइफ स्टाइल है वो आपके साथ शेयर कर सकूं और मैं अपने बच्चों के साथ अपना डेली रूटीन भी आपके साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अंत में मैं अपनी सिस्टर और अपने भाई को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि टेक्निकल जितना भी काम है मेरे भाई ने ही किया है और बाकी मेरी सिस्टर ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है। सो थैंक यू बहुत सारा उन लोगों के लिए भी प्यार और थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के इस ब्लॉग को करूंगी मैं ही पर एंड। और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, बाय।